शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर से हंसी न्यूज चैनल से। मैं हूं अमीषा पटेल। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। नमस्कार, खबर से हंसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं मड़ियाहूँ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक रानी प्रोग्राम सभा है, जहां पे हमारे साथ युवा सपा नेता राणा प्रताप यादव जी हमारे साथ में हैं और हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे कि जो ये बसपा और सपा का जो गठबंधन हुआ है, क्या इसमें वो मोदी जी के रथ को रोक पाएंगे। आइए सीधे हम चलते हैं इस मड़ियाहूँ विधानसभा क्षेत्र के जो युवा सपा नेता हैं राणा प्रताप यादव जी, उनसे डायरेक्ट हमारी मुलाकात होगी और उनसे सीधे हम बातचीत करते हैं। आइए सर, बताइए कि जो सपा बसपा का गठबंधन है, इसमें क्या आप मोदी जी के रथ को रोक पाएंगे? जी, हम लोग रोक पाएंगे रथ को, इसीलिए गठबंधन हुआ है। जी माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय सुश्री मायावती जी ने इसीलिए पिछड़ों को दलितों को देखते हुए उन्होंने गठबंधन किया है। जी। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के अलावा इन लोगों को कुछ आता नहीं। जी ये नोटबंदी किए, इसके बाद क्या क्या बोलते हैं, नोटबंदी किए और ये लोग क्या बोलते हैं, कहें गरीबों के खाते में 1.5 लाख रुपए आ गया, किसी के खाते में एक पैसा नहीं आया, सिर्फ ये झूठ झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। जो अखिलेश यादव ने काम कर दिया वो आज तक आज़ादी से लेकर अब तक कोई सरकार नहीं की है। सड़क हो, चाहे विद्या पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे जो भी हो, इन्होंने इतना काम कर दिया है। 100 नंबर 108 नंबर जो उन्होंने कर दिए कोई नहीं किया आज तक। जी बिल्कुल। राणा प्रताप जी, एक और आपसे सवाल बनता है कि अभी जो आगामी लोकसभा चुनाव है 2019 का, और एक सबसे बड़ी बात है कि आप इस जो है मड़ियाहूँ विधानसभा के अंतर्गत जो रानीपुर ग्राम सभा आता है उसके आप ग्राम प्रधान भी हैं, जो इस तरह की, क्या इस सरकार में कोई किसी तरह की आपको कोई अनुभूति हुई? जी हुई है, लाभ मिला है हमको। जी किस तरह का लाभ मिला सर, थोड़ा उसके बारे में आप बताएं। जो सब लोगों को सरकार ने दिया, बहुत कुछ तो नहीं दिया है, जो भी दिया थोड़ा बहुत देखते हुए लोगों ने उन्होंने पैसे खाते में भेजा है। जी और कुछ नहीं। जी और ये बताइए, जो शौचालय का निर्माण हुआ, आवास का निर्माण हुआ, उसमें आप जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो मोदी जी की, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर, थोड़ा उसके बारे में आप बताएं। नहीं, शौचालय हुआ है, काम हुआ है उसका, सब जगह हुआ है, हमारे गाँव में भी हुआ है। जी और इसमें मतलब ये जो 2019 लोकसभा का चुनाव है, ये सपा बसपा गठबंधन है, मतलब इसमें जो है आप एकदम जो है जो बीजेपी के जो एक तरह से लहर हो रही है, बीजेपी के लिए भी एक चिंता का सबब बना हुआ है कि सपा और बसपा का गठबंधन हो गया, उससे लोग भी, वो लोग डरे हुए हैं। तो क्या इस तरह की समस्याएँ जो उन लोगों के अंदर हैं कि एक भाई सपा और बसपा का गठबंधन हो गया और आज हो सकता है हम यूपी में से ही जो है बीजेपी पार्टी पूरे जो है केंद्र में सरकार बना पाई, क्या इस तरह का जो लक्षण है, क्या जो 2014 में हुआ था क्या 2019 में हो पाएगा? वो उल्टा होगा, इस बार हम लोगों को सीट ज़्यादा निकलेगी। जी एकदम, उन लोगों को एक भी सीट नहीं निकलेगी। मतलब जो इस बार जो गठबंधन का जो है सरकार है जो सपा बसपा की, उसमें आप मानते हैं कि जैसे सपा बसपा की सीटें ज़्यादा निकलेगी, बीजेपी का सीट कम हो जाएगा, तो कितना आंकड़ा है सर कि 38 x 76 सीट पे सपा और बसपा का गठबंधन है, 76 सीटों में से कितनी सीटों पे सपा बसपा गठबंधन सीट जो है जहाँ पे प्रत्याशी लड़ेंगे उसमें कितने सीटों की संभावना है कि उसमें से हम जीत जाएंगे? पूरे हम लोग जीतेंगे। जी बिल्कुल, राणा प्रताप जी जिस तरह से आप बयान दे रहे हैं कि हम 76 सीटों पे चुनाव, हम सपा बसपा गठबंधन के सीट को हम जिताएंगे, कुछ और कहना चाहेंगे सर अपनी पार्टी के माध्यम से? ठीक है, बस कुछ नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद राणा प्रताप यादव जी। और यहाँ पे राणा प्रताप यादव जी एक बर्थडे कार्यक्रम में शिरकत करने आए हुए हैं, जहाँ पे उनकी हमारी मुलाकात हुई है। आइए, मैं खबर सिवंशी न्यूज़ चैनल के साथ आशीष कुमार सिंह, मड़ियाहूँ विधानसभा जौनपुर।